यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् नामापिते च मधुरम् मधुरम् स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिम् प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् विद्याम् प्रयच्छ परमम् परिभावयामि कोमलम् कूजयन् वेणुम् श्यामलोयम् कुमारकः वेदवेद्यम् परम् ब्रह्म भासताम् हृदये मम कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायण श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण 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 अब वेदानंद जी का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
यात्रा में। अच्छा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्वाक्षरयेव च क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। नारायण जैसा कि कल निरूपण किया गया भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अपनी अचिंत्य माया शक्ति जिसे लीला शक्ति कह सकते हैं उसके द्वार से स्वयं को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अतः वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है। सृष्टि का आलंबन लेकर ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं अर्थात हमारा मन उनमें सन्निहित हो सकता है। अतः नयेन्द्रिय प्राणांतःकरण का महत्व है। यद्यपि महाप्रलय में जीव और संपूर्ण जगत तथा स्वयं माया शक्ति भी सर्वेश्वर से एकीभूत होकर विद्यमान रहते हैं तथापि सुषुप्ति के तुल्य महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है। एक विचित्र तथ्य है अनुग्रह और आत्मकृपा दोनों में भेद है। केवल अनुग्रह के बल पर ऊंची से ऊंची जो भूमिका होती है वह अंत में स्खलित हो जाती है। यह भगवान का अनुग्रह है कि वे हम जीवों को गाढ़ी नींद प्रदान करते हैं और महाप्रलय की दशा में 31,10,40,00,000,000 वर्षों तक सन्निहित रखते हैं। कदाचित भगवान का अनुग्रह सुषुप्ति के रूप में हमें सुलभ न हो तो विक्षिप्त हुए बिना हम नहीं रह सकते। पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग जो कि ज्योतिष पीठ के मान्य श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य थे सन 1972 में पूज्य स्वामी शिवरियावा जी महाराज के आश्रम में एक दिन के लिए पधारे। वहाँ के मान भाव किन्हीं और को शंकराचार्य मानते थे तो जानबूझकर उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। दिल्ली के एक भक्त के निवेदन पर वे आए थे लेकिन समाधिनिष्ठ तत्वज्ञ मनीषी थे कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। जो वहाँ सत्संग भवन है अकेले वो बैठे थे। मैंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा उनके चरणों के समीप मर्यादा के अनुसार उनका अभिनंदन अभिवादन करके मैं चुपचाप बैठ गया। भावना थी कुछ प्रश्न करने की लेकिन संकोचवश प्रश्न न कर सका। उन्होंने मुझको ही पूछ दिया कहो साहब उनका शरीर ब्रज का था तो उनकी भाषा में ब्रज भाषा अनुगत थी कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी यह प्रश्न किया। चाहता मैं तो उत्तर दे सकता था लेकिन मेरा वह पागलपन होता। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ
आप ही कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दें, ऐसी मेरी भावना। बहुत प्रसन्न हुए। 45 मिनटों तक उन्होंने बहुत आह्लाद पूर्वक प्रश्न का उत्तर दिया। 5-7 वाक्यों में मैं उसका सारांश बताना उचित समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हम तुम अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि आजकल लगा नहीं सकते। जिन्हें निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन्हें सुषुप्ति भी सुलभ न हो, तो वो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। तो साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुषुप्ति की संरचना की। जो कुछ उन्होंने कहा उसका अभिप्राय हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया। इसी प्रकार विचार करके देखें, जागृत की अपेक्षा स्वप्न वरदान है, अनुग्रह है, क्योंकि त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग का फल तत्काल सुलभ होता है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भान स्वप्नावस्था में नहीं रहता। इसका मतलब स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल जगत से अतीत एक विलक्षण भूमिका हमको स्वप्न के नाम पर सुलभ होती है। महाभारत आदि का अनुशीलन करें, कैवल्योपनिषद आदि का अनुशीलन करें, तो स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियां भी सुप्त होती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सुप्त होती हैं और अंतःकरण अर्धनिद्रित होता है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार विचार करें तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है, तब स्वप्नावस्था सुलभ होती है। लंबा वाक्य है, लेकिन स्वप्न की पूरी मीमांसा इसमें सन्निहित है। महाभारत, कैवल्योपनिषद और छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का शंकर भाष्य, तीनों को मिलाकर मैंने इस वाक्य की संरचना की। जब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण भी अर्धनिद्रित हो जाता है, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत वह अंतःकरण जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है, तब स्वप्नावस्था सुलभ होती है, यह अभिप्राय। स्वप्नावस्था एक वरदान है। किस दृष्टि से वरदान है? हमको जागृत की अपेक्षा अधिक सिद्धियों की प्राप्ति स्वप्न में होती है। जो भी हो उसमें कोई मेरे तेरे का विभाजन नहीं है। जिसे स्वप्न होगा उसे जागृत की अपेक्षा उन्नत सिद्धि सुलभ होगी। उदाहरण के लिए, इस समय हमको भूख प्यास लग जाए तो सचमुच में स्थूल अन्न जल की अपेक्षा है, दम भी ना हो तो। दम भी तो कह देते हैं, मैं कुछ खाते पीते ही नहीं, अलग बात। किसी को वरदान सुलभ हो अलग बात। तो हमको जागृत में भूख लगती है तो भोजन चाहिए, सचमुच का भोजन चाहिए। प्यास लगती है तो सचमुच का पानी चाहिए। अर्थात द्वंद्व हमारा पिंड नहीं छोड़ते जागृत में। स्वप्नावस्था में भी सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों की पहुंच है, हम निर्द्वंद्व नहीं हो पाते। तथापि अंतर क्या है? स्वप्नावस्था में भूख लगने पर स्वप्नावस्था के अन्न से, मनोमय अन्न से ही भूख की निवृत्ति हो जाती है, पुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तृप्ति की स्फूर्ति होती है। इसी प्रकार स्वप्नावस्था में प्यास लग जाए तो मनोमय पानी के द्वारा ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। स्वप्नावस्था में सर्दी
गर्मी की प्राप्ति हो तो स्वप्न अवस्था के उपचार से ही उसका निवारण हो जाता है। स्थूल वस्तुओं की दासता कट गई ना, इतना है। इसलिए प्रविविक्त भूख मांडूक उपनिषद ने स्वप्न अवस्था में जीवों के लिए प्रविविक्त भूख वासनात्मक सूक्ष्म विषयों का भोक्ता कहा। अब गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है, वहां सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत से भी हम अतीत हो जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रपंच का भान निरस्त हो जाता है। अभानात्मक वियोग इसको हम कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का अभानात्मक वियोग गाढ़ी नींद में होता है। द्वंद्व की पहुंच नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि लाभ जितने द्वंद्व हैं उनकी पहुंच सुषुप्ति में हम आप तक नहीं है। और सबसे ऊंची बात है, अहंकार व्यक्ति को नचाता है। सुषुप्ति अवस्था पर अनुशीलन करें तो जागृत में देवत्व की प्राप्ति होती है, दिव्यता की स्फूर्ति होती है। गाढ़ी नींद में अहंकार सो जाता है। अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध नवयोगीश्वर संवाद। और यह जो अहमिच प्रसुप्ते कहा गया इसका मूल छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय है। अहंकार भी जब सो जाता है तब सुसुप्ति होती है। अहंकार उद्बुद्ध रहे तो नींद कैसी, अहंकार का सोना ही तो निद्रा है। बहुत ऊंची बात है, बिना अहंकार के हम जीवित रह सकते हैं, उदाहरण सुसुप्ति है। और हम कहा करते हैं कि गणित की दृष्टि से 3/4 से भी अधिक मौत सुसुप्ति है। कर्म इंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण सो जाता है, प्राणों का भान भी खो जाता है, तब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। तो 3/4 से भी अधिक मौत को सुषुप्ति में हम प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। ऊंची बात है, जीवन की पूरी परिभाषा इस समय चरितार्थ है। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जीवन की परिभाषा क्या होगी, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त इस शरीर का नाम जीवन है। तो जीवन की पूर्ण परिभाषा इस समय चरितार्थ है, लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त है। 3/4 से भी अधिक मृत्यु की प्राप्ति है सुषुप्ति में, लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त नहीं है। मृत्युंजय परमात्मा के अत्यंत सन्निकट हम पहुंच जाते हैं और मृत्युग्रस्त शरीर संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता है। क्या हुआ, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने मनोविकार हैं, इनमें किसी मनोविकार की पहुंच हम आप तक सुषुप्ति में नहीं होती। बहुत ऊंची बात है। और सबसे ऊंची बात क्या है कि विषय जन्य आनंद की पहुंच सुषुप्ति में नहीं है। इसलिए जितने अन्य दार्शनिक हैं उनका कहना है गाढ़ी नींद में दुखा भाव होता है, दुख का अभाव होता है, लेकिन आनंद नहीं होता। सांख्य इत्यादि जो अन्य दार्शनिक हैं उनका कहना है सुषुप्ति में दुख का अभाव तो होता है लेकिन आनंद की उपलब्धि नहीं होती। लेकिन मांडूक उपनिषद ने आनंद भुक कहा है। आनंद भुक का अर्थ जीव, प्राज्ञ संज्ञक जीव गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद का भोक्ता होता है। एक गन्ना दे दें इक्षुदंड, उसको चूसेंगे ओठ छिदने की संभावना होगी, दांत घिसने टूटने की संभावना होगी, श्रम भी होगा, लेकिन गन्ने को पेल कर एक गिलास रस दे दिया जाए अनायास उसको गट कर जाएंगे।
जागृत में स्थूल विषयों की अनुकूलता को लेकर सुख की अभिव्यक्ति होती, स्वप्नावस्था में वासनात्मक विषयों की अनुकूलता को लेकर सुख की उपलब्धि होती है, सुषुप्ति में साक्षात आनंद ही भोग्य होता है। गन्ना का रस ही पी लिया और गन्ना को चबाकर रस प्राप्त किया, दोनों मंत्र है, तो गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा आपका भोग्य होता है और हम आप आनंद भुक होते हैं। उस आनंद की प्राप्ति के लिए विषयजन्य आनंद प्रिय मोद और प्रमोद उसका भी हम परित्याग करते हैं। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने बताया कि गाढ़ी नींद में केवल दुख का भाव ही मान्य नहीं है, सुखोपलब्धि भी मान्य। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाता है कि अमुक कक्ष में या अमुक स्थल पर अंधकार नहीं है तो प्रकाश का सद्भाव मानने के लिए हम बाध्य हैं। प्रकाश ही नहीं होता तो अंधकार का निवारण कहाँ से होता। इसलिए युक्ति के बल पर भी सुषुप्ति में आनंद की सिद्धि होती है, आनंद हमारा भोग्य होकर विद्यमान रहता है और साक्षात भोग्य होकर आनंद हमें प्राप्त होता है। इतना सब कुछ होने पर भी पुरुषार्थ भूमि गाढ़ी नींद नहीं है, न तो अर्थोपार्जन वहाँ हो सकता है, न विषयोपभोग हो सकता है, न धर्मानुष्ठान हो सकता है, न कृतार्थता या मोक्ष की समुपलब्धि हो सकती है। तद्वत महाप्रलय भी पुरुषार्थ भूमि नहीं है। तो हमने वाक्य कहा था अनुग्रह ईश्वर और गुरु हरिगुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाए उसी से मोक्ष नहीं हो सकता। अनुग्रह वरदान तो सिद्ध हो सकता है, विक्षेप से हम बच सकते हैं, पागलपन से उपराम हो सकते हैं, अनुग्रह से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन मुक्त तब होंगे जब स्वतः प्रयास तदर्थ करेंगे। ये सब अनुग्रह की भूमिका है। जागृत की अपेक्षा मनोराज्य अनुग्रह, मनोराज्य की अपेक्षा स्वप्न और ऊंची उपलब्धि है, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति और ऊंची उपलब्धि है। और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार विचार करें तो बुरा न मानो होली है, सुषुप्ति की अपेक्षा मृत्यु और अंतरंग अनुग्रह। मरने आत्महत्या का प्रयास न करें लेकिन सुषुप्ति की अपेक्षा मृत्यु अंतरंग अनुग्रह। बहुत विचित्र बात है, आजकल तो पठन पाठन की प्रक्रिया लुप्त है, लुप्तप्राय। जो भी व्यक्ति मरता है देहत्याग करता है, देहत्याग के बाद पहले परमात्मा में लीन होता है, चाहे एक नंबर का पांवर विषयी ही क्यों ना हो, वैरमुखी क्यों ना हो, मरने के बाद सीधे परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, परमात्मा में ही जीव लीन होता है। बहुत युक्ति पूर्वक छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में इस तथ्य का निवार प्रतिपादन किया गया। लेकिन तदनुकूल भावना के सहित जो मृत्यु का वर्णन करता है, इसीलिए अर्जुन ने पूछा ना, मरना तो स्वाभाविक है लेकिन देहत्याग की विधा क्या है बताइए। मौत से श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, बच्चों मरने से क्या डरता है, मरना तो स्वाभाविक है लेकिन मरना कैसे चाहिए, देहत्याग करना कैसे चाहिए, यह सीख, उन्हीं के शब्द हैं। तो जो सत्य में अभिनिवेश पूर्वक मृत्यु के समय जो जो प्रक्रिया चरितार्थ होती है उसके साथ रहस्य का बोध प्रवाहित कर देता है, तो सत्य में अभिनिवेश पूर्वक जो मरता है देहत्याग करता है वो सदा के लिए सत्स्वरूप होकर ही शेष रहता है। और असत्य में अभिनिवेश पूर्वक जो देहत्याग करता है, प्रक्रिया तो यही बनती है कि पहले उसका पूरी अष्टक जो है ब्रह्म में ही लीन होता है, सत्य में ही लीन होता है, लेकिन सदा तद्भाव भावितः उस वासना की प्रगल्भता असत्य में अभिनिवेश के कारण
जैसे ब्रह्म हृदय में भगवान ने अनुग्रह पूर्वक ग्वाल बालों के चित्त को सन्निविष्ट तो कर दिया, रास पंचाध्यायी के एक अध्याय पहले की बात, लेकिन वहां से मन उचट गया उन लोगों का। ऐसे ही मृत्यु सुषुप्ति से उच्च भूमिका है, जहाँ हर मरने वाला व्यक्ति सत्य में पुर्यष्टक सहित विलीन होता ही है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, इनका नाम पुर्यष्टक है। पुर्यष्टक सहित जीव कला का ब्रह्म में लय होना, यही मृत्यु है। लेकिन रहस्य बोध की धारा प्रवाहित न करने के कारण असत्य में अभिनिवेश वाला व्यक्ति मरने के बाद पुनः अपनी वासना के सहित उद्बुद्ध हो जाता है और फिर अपनी वासना के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। तो मृत्यु जो है वो सुषुप्ति से भी अंतरंग अवस्था है, उसकी अपेक्षा प्रलय, उसकी अपेक्षा भी महाप्रलय। महाप्रलय तो आजकल जो हमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी उससे भी ऊंची भूमिका है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से संपन्न हम होंगे, कार्योपाधिक होंगे, तब तो निर्विकल्प समाधि लगेगी। आखिर चित्त तो लीन होगा ना, चित्त का विस्मरण होगा। समाधि और सुषुप्ति में क्या अंतर? चित्त का लय हो जाए तो सुषुप्ति, चित्त का विस्मरण हो जाए तो समाधि। लय और विस्मरण बस इतने अंतर है ना। चित्त का लय हो जाए किसमें? चित्त प्राणों से तादात्म्यपन्न हो जाए, एकीभूत हो जाए, प्राण की प्रधानता है। चित्त का लय प्राण में हो जाए, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने लिखा, लय का अर्थ है चित्त की तादात्म्यपत्ति प्राण के साथ हो जाए तो सुषुप्ति, प्राण की तादात्म्यपत्ति चित्त के साथ हो जाए तो समाधि। बस अंतर इतना ही है, चित्त की प्रधानता से समाधि है, प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति है। तो चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाए और प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाए, और निरुद्ध चित्त में, चित्त वृत्ति से रहित चित्त में स्पंदन रहित प्राण की तादात्म्यपत्ति हो जाए तो उसका नाम है समाधि। लेकिन गाड़ी ये महाप्रलय में तो न हमको स्थूल शरीर प्राप्त रहता है, न सूक्ष्म शरीर प्राप्त रहता है, कारण शरीर व्यष्टि अविद्या भी प्राप्त नहीं, महाकारण शरीर महामाया भी उस समय हमको सुलभ नहीं, वो भी महेश्वर से तादात्म्यपन्न होकर एकीभूत होकर शेष रहती है महाप्रलय। इस समय तो समाधिस्थ व्यक्ति को भी जगाना हो तो कई उपचार किया जा सकता है, जोरों से घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजावे, शरीर को हिला दें, लेकिन वहां तो शरीर भी नहीं, घंटे घड़ियाल की पहुंच नहीं। उस महाप्रलय की दशा को हम सबसे उत्तम उत्कृष्ट अनुग्रह मानेंगे। उसके बाद फिर यथापूर्व कल्पयत, अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव को भगवान के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की प्राप्ति होती है। तो हमने जो ये विषय उठाया था कि पुरुषोत्तम तत्व को हम प्राप्त तो होते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के अनुसार बुद्धिपूर्वक जब पुरुषोत्तम तत्व का निश्चय होगा तब जो पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति होगी, फिर उस प्राप्ति का उच्छेद नहीं होगा, सदा के लिए ही भगवत प्राप्ति होगी। इतना अतिरिक्त का इस अध्याय के भाव को धारण करने के लिए यह सब आवश्यक है। विचित्र बात क्या है, सुषुप्ति के समय क्या क्या भावना जगती है उस पर विचार करें। 5 दिन में ही बहुत ऊंची मनस्थिति हो जाएगी, 5-7 दिन में ही। उदाहरण के लिए यह जो स्थूल शरीर है इसको भुलाकर सोने की भावना जगती है या नहीं? जिसका कालक्रम से वियोग हो और जिसका वियोग सुहाता या भाता हो वह अनात्मा है, एक नियम है।
स्थूल शरीर का कालक्रम से वियोग जब होगा होगा, उसी का नाम मृत्यु है। लेकिन प्रतिदिन इसके वियोग की भावना जगती है या नहीं, इसका वियोग होगा। वियोग दो प्रकार का है, स्वरूपतः वियोग और अभानात्मक वियोग। स्थूल शरीर के अभानात्मक वियोग की भावना प्रतिदिन जगती है और स्थूल शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती, अतः यह अनात्मा है। अन्नमय कोष का अनात्मा तो हो गया खेलकूद में। अब लीजिए, कर्मेंद्रियां भी फुदकती रहे, कर्म से उपरत न हो तो भी सुसुप्ति नहीं होगी। तो अपने व्यापारों के सहित कर्मेंद्रियों से भी हम पिंड छोड़ाना चाहते हैं, उनका अभानात्मक वियोग हमको अभीष्ट है। कर्मेंद्रियां भी सो जाएं, ऐसी भावना, अतः कर्मेंद्रियां भी आत्मा नहीं हो सकती। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है, और जिसके वियोग की भावना का उदय होता है उसका अनात्मत्व सुनिश्चित है। अब ज्ञानेन्द्रियां भी अगर फुदकती रहे, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोग की प्राप्ति होती है, ज्ञानेन्द्रियां भी फुदकती रहे तो सुसुप्ति की सिद्धि नहीं होगी, उसका भी अभानात्मक वियोग हमको रुचता है, भाता है, सुसुप्ति में हो भी जाता है। अब ले लें मन बुद्धि चित्त अहंकार, अगर अपने अपने कार्य को न छोड़ें तो भी सुसुप्ति सुलभ नहीं। तो इसका मतलब मनोमय कोष विज्ञानमय कोष भी आत्मा नहीं है, इनके अभानात्मक वियोग की भावना प्रतिदिन प्राप्त होती है। अब ले लीजिए, कहाँ पहुँच गए प्राण। प्राण तो बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणस्पंदन का भान ही बना रहे तो विक्षेप होगा। इसलिए प्राणस्पंदन का भान भी न रहे, माने प्राण का भी वियोग, कौन सा वियोग, अभानात्मक वियोग हमको रुचिकर है। सब कुछ आनंद के लिए है लेकिन वो आनंद विषयजन्य आनंद के तीन भेद हैं, प्रिय मोद और प्रमोद। पिछले सत्र में इसकी व्याख्या यहाँ की गई। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से जो आनंद का उद्रेक होता है, या अभीष्ट वस्तु के दर्शन से, या अभीष्ट व्यक्ति के दर्शन से जो आनंद का उल्लास का उद्रेक होता है, उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो आनंद का उद्रेक होता है, प्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट आनंद मोद है। अभीष्ट विषय का यथेच्छ परिरंभन आस्वादन से जो आनंद बाह्याभ्यंतर उमरता घुमरता है, उसका नाम प्रमोद है। प्रिय मोद और प्रमोद जिनको सुलभ है, कोई वेदना या ताप नहीं है। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी पर हम लोग लट्टू हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया, आनंद चाहिए ना, आनंद में प्रीति आनंद के लिए होती है, किसी अन्य के लिए नहीं, और आत्मा में प्रीति आत्मा के लिए होती है, किसी अन्य के लिए नहीं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दोनों का लक्षण एक है, लेकिन कौन सा आनंद आत्मा है, यह विवेक की बात। अगर प्रिय मोद और प्रमोद ही आत्मा हो तो फिर जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वह इनको भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों चाहे, और इनको न भुलावे तो पागल हुए बिना न रहे। पंचदशी कारण का वेदना ताप से ही पिंड नहीं छुड़ाना चाहते, आनंद से भी पिंड छुड़ाना चाहते, बहुत ऊंची बात। आखिर क्यों, उसमें युक्ति दी उन्होंने, जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। इसके देखने या छूने से आनंद मिल रहा है, कल्पना कीजिए, तो क्या हुआ, इसका नाम माला का नाम भोग्य हो गया, मेरा नाम भोक्ता हो गया, आनंदानुभूति का नाम भोग हो गया। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत माने दो या दो से अधिक, अजहल लक्षण, दो मिनट दो शब्द, यहाँ पर कौन सी लक्षण है, अजहल लक्षण, दो का त्याग किए बिना अतिरिक्त का ग्रहण। इसी प्रकार द्वैत का अर्थ ये नहीं है कि द्वैत कह देने पर त्रैत नहीं सिद्ध हो गया,
द्वैत अजहल लक्षणा से दो और उससे अधिक का नाम द्वैत हो गया। केवल दो ही नहीं, दो तो है ही, अतिरिक्त का नाम भी द्वैत। तो जहां त्रिपुटी है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां श्रम है। कमनीज भी यहीं आकर घुटना टेक देता है। जहां द्वैत है वहां श्रम है, और जहां श्रम है वहां खालिश पिरो पियोर निरतिशय आनंद नहीं है। सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। इसलिए सुषुप्ति की आवश्यकता है। प्रिय मोद प्रमोद को अभी भुलाकर सुषुप्ति होती है। इसका मतलब आनंदमय कोष भी अगर, फलात्मक आनंदमय कोष भी अगर आत्मा हो तो उसको भुलाकर सोने की भावना क्यों, कहां पहुंच गए। शरात अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम, आगे जीवन में वो तो समष्टि की बात है ना। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम हमारे जीवन में स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षर। इस श्लोक के भाव को जब जीवन में डालेंगे, व्यष्टि में डालेंगे तो ही अर्थ होगा ना। अक्षरादपि चोत्तम, सुसुप्ति में हम अक्षर हो जाते हैं, अव्यक्त भावापन्न हो जाते हैं, कार्योपाधि से ऊपर उठ जाते हैं, तो अक्षर हो गए। लेकिन वहां पर फिर वहां पर क्या कमी है, बड़ी विचित्र बात। वहां पर यह कमी है कि स्वरूप जिसको स्वरूप समझना चाहिए वो भोग्य बनकर प्रकट। आनंद वहां पर भोग्य है, भोग्य है ना। तो श्रम का बीज है, श्रम तो नहीं है लेकिन श्रम का बीज है। श्रम का बीज क्यों है, आनंद भोग्य है, और जो भोग्य होता है वो स्वप्रकाश नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति जो भी सोता है उसके हृदय में एक संकल्प गुप्त रीति से विद्यमान रहता है। संकल्प करे या न करे, मनोभाव विद्यमान रहता है। ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। सुषुप्ति के प्रति भी हृदय से अत्यंत रागान्वित व्यक्ति नहीं होता, उससे भी उपरामता की भावना होती है। इसका मतलब स्थिर और चिर पर प्रेमास्पद सुषुप्ति भी नहीं है। सुषुप्त आनंद भी व्यक्ति का स्थिर और चिर पर प्रेमास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भी भोग्य तो है ही। इसलिए जब तक वह आनंद स्वप्रकाश न हो जाए, अब बड़ी विचित्र बात, स्वप्रकाश हो जाएगा तो भोग्य नहीं होगा, और भोग्य होगा तो परम प्रेमास्पद नहीं होगा। अगर कोई भोग्य हो गया जो भी सत्चंदन बनिता दी, तो समझ लीजिए कि परम प्रेमास्पद नहीं है। स्वप्रकाश हो गया तो भोग्य नहीं हो सकता। इसलिए अंत में जिनके जीवन में इतना धैर्य है कि सुख स्वरूप होकर हमें शेष रहना है, न कि सुख का भोक्ता होकर, वो पुरुषोत्तम तत्व का अवगाहन कर सकते हैं, अनुशीलन कर सकते हैं। इसीलिए अक्षर भावापत्ति हमारी होती है, कारणोपाधिक ईश्वर कल्प होकर हम सुषुप्ति में स्थिर रहते हैं, अवशिष्ट रहते हैं। लेकिन वहां भी उपाधि तो है, इसलिए जब तक उपाधि है तब तक निरतिशय निर्विशेषता नहीं है। और जब तक हम स्वयं को निरतिशय निर्विशेष नहीं समझेंगे, तब तक फिर क्या होगा, भय का बीज द्वैत का बीज विद्यमान ही रहेगा। अब असल में देख कर बोलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए अपनी ओर से लाए, इसलिए कि हम ही को लाभ हुआ। क्यों भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार का अर्थ किया, सातवें अध्याय की शैली में कर सकते थे अर्थ। सातवें अध्याय की शैली में क्या करते, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा, वहां भी तीन भेद हैं। अष्टधा प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति, ठीक। एक है परा प्रकृति जिसको जीव कहते हैं, एक है परमात्मा जिनको भगवान कहते हैं। अर्थ तो बहुत सुगमता पूर्वक लग जाता। क्षर का अर्थ अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति कर देते शंकराचार्य महाभाग।
अक्षर का अर्थ जीव, जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। बहुत ऊंची बात है, ययेदम धार्यते जगत, जीव भी धारक है, जगत का धारण करने वाला जीव तत्व है, वहाँ परा प्रकृति का बहुत ऊंचा महत्व है स्थान। यहाँ अक्षर के स्थान पर जीव को लाकर रख देते, सातवें अध्याय के अनुसार परा प्रकृति को जीव को अक्षर कह देते, तो अभी तो पुरुषोत्तम तत्व की सिद्धि हो जाती, अचित पदार्थ को क्षर कोटि मिला देते, अष्टधा प्रकृति को। विकृतियां तो आ ही गई, जो अष्टधा प्रकृति ऊपर ले लिए तो विकृतियां, षोडश विकृतियां तो आ ही गई। तो कह सकते हैं कि षोडश विकृतियों के सहित अष्टधा प्रकृति का अर्थ हो गया कितने, सोलह और आठ चौबीस। समग्र अनात्म प्रपंच जो है वो अक्षर कोटि का है, जीव जो है अक्षर कोटि का है, भगवान अक्षर अक्षर दोनों से अतीत हैं, ऐसा अर्थ कर सकते थे, कर सकते थे, तो इसमें आपत्ति क्या होती। क्या सचमुच में जैसा अर्थ श्री वैष्णवाचार्यों ने यहाँ किया उस अर्थ पर डटे रहने की भावना है, हो सकती है, क्योंकि अष्टधा प्रकृति में मूल प्रकृति भी है, खम मनो, वहां पर भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इसको कसना पड़ेगा तेरहवीं अध्याय की शैली में, सांख्य की शैली में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये तो क्रम ठीक है, आकाश का कारण मन, मन का कारण बुद्धि, बुद्धि का कारण अहम दिया गया है, लेकिन सांख्य प्रस्थान में आकाश का कारण अहम है जिसको आठवें स्थान पर रखा, मन तो प्रकृति है ही नहीं, षोडश विकृतियों में मन का उल्लेख है, बुद्धि को महत्तत्व कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ा गया, मन उसके आगे बुद्धि, उसके आगे अहंकार, बुद्धि तो अहम से अतीत है, उत्कृष्ट है, इसलिए फिर शंकराचार्य जी ने तेरहवीं अध्याय की शैली में, सांख्य की सरणी में, शैली में आठवीं अध्याय में इन तीन प्रकृतियों का वर्णन किया, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च, हो गया ना अष्टधा प्रकृति, महाभूत दोनों जगह, पांच महाभूत, सातवें में भी तेरहवें भी, अहंकार वहां आठवीं जगह है, यहाँ पर छठे स्थान पर है, बुद्धि वहां पर भी सातवीं जगह है, यहाँ भी है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बच, अव्यक्त का वहां नाम ही नहीं है, यहाँ नाम है, इसलिए मन का अर्थ अहम, बुद्धि का अर्थ महत्त्व, और अहम का अर्थ अव्यक्त करना पड़ा शंकराचार्य जी को। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा अहंकार का अर्थ अहंकार ही कर लें, तब फिर बुद्धि का अर्थ महत्त्व कर लें, मन का अर्थ अव्यक्त कर दें, क्रम बिगड़ गया, लेकिन दोनों आचार्य हैं, किसी भी ढंग से जैसा लिखा है वैसा अर्थ करने से काम नहीं बना। अहंकार को करेंगे तो आठवें को लाना पड़ेगा, क्या छठी जगह, छठे स्थान पर, तो अंत में क्या हुआ, अष्टधा प्रकृति का अर्थ वैष्णवाचार्य भी यही करेंगे ना, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचर, अर्थात पंच तन मात्राएं, जिसको सांख्यवादी पंच तन मात्रा कहते हैं, वेदांती उसको कहते अपंचीकृत पंच महाभूत, यही ना, वो कहेंगे गंध तन मात्रा, और हम क्या कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी, वो कहेंगे रस तन मात्रा, हम कहेंगे अपंचीकृत जल, वो कहेंगे रूप तन मात्रा, हम कहेंगे अपंचीकृत तेज, वो कहेंगे स्पर्श तन मात्रा, हम कहेंगे अपंचीकृत वायु, वो कहेंगे शब्द तन मात्रा, हम कहेंगे अपंचीकृत आकाश। इसलिए उपनिषदों में एक वचन है कि तन मात्रा को ही अपंचीकृत भूत कहते हैं। अपंचीकृत का अर्थ क्या है, एक में अन्यों का सन्निवेश नहीं है, खालिस प्योर, आकाश आकाश ही है, उसमें चार अन्य भूतों का सन्निवेश या संश्लेष नहीं है, यही हुआ, तो अर्थ हो गया अपंचीकृत पंच महाभूत, उसके ऊपर अहंतत्व, उसके ऊपर महत्तत्व, उसके ऊपर अव्यक्त अष्टधा प्रकृति। अब प्रश्न उठता है, क्या मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं
उसको हमारे श्री वैष्णवाचार्य और सामान्य महानुभाव क्षर मानने के लिए तैयार होंगे। अष्टधा प्रकृति को जब हम क्षर मानेंगे, कहाँ की अष्टधा प्रकृति? 13वें अध्याय की अष्टधा प्रकृति, 7वें अध्याय की अष्टधा प्रकृति को पुरुषोत्तम योग में क्षर कोटि का मानेंगे, तब तो मूल प्रकृति या व्यक्त जिसको कहते हैं या माया जिसको कहते हैं वो क्षर कोटि का पदार्थ सिद्ध हुआ। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्य नादि उभावपि, इस वचन के भी विरुद्ध गया, अनादि है ना, प्रकृति भी पुरुष भी, मायाध्यक्ष न प्रकृति स्वयते सचराचरम, तो क्षर कोटि का पदार्थ सप्तधा प्रकृति को तो माना जा सकता है, जिसको प्रकृति विकृति कहते हैं, जिसको केवल प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, वो जो आठवीं है, ऊपर से पहली नीचे से आठवीं है, उसको तो हमारे श्री वैष्णवाचार्य क्षर नहीं मान सकते, वो तो बच गया ना, क्षर होने से बच गया, इसलिए अर्थ नहीं बैठेगा। अब शंकराचार्य के शैली में लें, वो जो आठवीं है उसको अक्षर कह सकते हैं या नहीं? अक्षर कह दीजिए। बाकी सप्तधा प्रकृति और षोडश विकृतियां, 16 और 7 कितने हो गए? 23। ये 23 जो हो गए कार्य कोटि के पदार्थ, उसी में ये जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन्हीं में जाकर उनका सन्निवेश हो गया, तो स्थावर जंगम प्राणियों के सहित षोडश विकृति सप्त प्रकृति इन सब का नाम हो गया क्षर। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, बच गई प्रकृति, मूल प्रकृति, मायाध्यक्षेण प्रकृति जिसको कहा, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, जिसके लिए कहा गया, वो जो मूल प्रकृति है उसी को अक्षर कह दिया। अक्षरान महत, कल हमने गोपालोत्तर तापनी उपनिषद का वचन उद्धृत किया था, अक्षरान महत, अक्षर से महत की उत्पत्ति हुई, श्रुति भी आ गई। महत क्या है? प्रथम कार्य है सांख्य शैली में, तो बात बन गई। इसलिए अक्षर, अक्षर कोटि का तो हम अव्यक्त को मान सकते हैं, प्रकृति को मान सकते हैं, माया को मान सकते हैं, क्षर कोटि का नहीं मानेंगे, तो विसंगति क्या हो जाएगी? अगर हम अष्टधा प्रकृति को अक्षर, परा प्रकृति को अक्षर और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं, तो हमारे सामने ही एक समस्या आ जाएगी, किस आधार पर हम मूल प्रकृति अव्यक्त या माया को अक्षर कहेंगे? उनका तो फिर शब्दोहित गड़बड़ा जाएगा। प्रकृति ही क्षर कोटि के, तो क्षर प्रकृति को क्षर हम मान सकते हैं कब? बाधात्मक क्षरता उसको प्राप्त है, बाध मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व में लक्षण चला जाएगा, इसलिए बात नहीं बनी। अतः शंकराचार्य जी ने बहुत सूझबूझ का परिचय देकर, अब प्रश्न उठता है, जीव को अगर अक्षर मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्य नादि उभावपि, प्रश्न उठता है, अक्षर दो तत्व हो गए, 13वां अध्याय का श्लोक है या नहीं? प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्य नादि उभावपि, 13वें अध्याय की शैली क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रकिति तद्विदः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से प्रारंभ किया, क्षेत्र को जाके कहां बैठा दिया भगवान ने? प्रकृति। 23 को छोड़ दिया, उपादान 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 चलते चलते मूल प्रकृति को ही क्षेत्र मान लिया। मूल क्षेत्र कौन है? मूल प्रकृति। और क्षेत्रज्ञ को ले जाके कहाँ रख दिया? पुरुष। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या हो गया? प्रकृति और पुरुष। जिसका वर्णन क्षेत्र से किया था, वो क्षेत्र के उपादान का वर्णन किया, महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च अव्यक्त पर्यंत इंद्रियाणि दशैकं चाहिए, तो कृति कोटि के पदार्थ मूल में तो प्रकृति, जिसको हमने क्षेत्र कहा था उसके तो 24 उपादान हो गए। 24 उपादान में प्रथम उपादान का नाम मूल प्रकृति अव्यक्त है, या हम अपनी दृष्टि से माया कह सकते हैं, उसी को क्यों ना मूल क्षेत्र मान लें? इसलिए प्रकृति। अब पुरुष जो है, जितने प्राणी है 84 लक्ष योनियों में, ये तो प्राणी है, पुरुष कहने योग्य हैं,
लेकिन सबका मौलिक स्वरूप कौन हुआ? प्रकृति ही जिसकी उपाधि है, बहुत ऊंची है ना। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि वापि, पुरुष जीव को जो परा प्रकृति को कहां जाके भगवान ने रखा? पुरुष कोटि में, सातवें अध्याय की परा प्रकृति, तेरहवें अध्याय में पुरुष, वो जो अष्टधा प्रकृति में मूल प्रकृति है उसको प्रकृति, दोनों अनादि है। अनादि का नाम अक्षर हो गया। तब ये बीच में जो आया क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर कोटि में तो कितने आ गए? 23 तत्व, और स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर के उपादान भी 23 तत्व ही है। मूल में तो 23 तत्व को कहाँ रखेंगे? 23 तत्व में ही तो जितने हमारे पास उपाधियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका, ये तारतम्य संकार संघात पंचभूतों का, प्राणियों के सब शरीर भी तो उसी 23 तत्व में समा गए ना, सूक्ष्म भी स्थूल भी, और कारण शरीर भी उसी में समा गए, उसी में समा गए। किसमें? कारण शरीर को अगर हम कहते हैं कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिर ईश्वर, कारण शरीर को मलिन सत्वात्मक मानते हैं तब उसका लय स्थान मूल प्रकृति है, और अगर कार्योपाधि की दृष्टि से विचार करते हैं तो अंतःकरण आदि सबके सब महत्त्वादि में जाके चले गए। सार क्या निकला? विकृति कोटि के, षोडश विकृति और सात प्रकृति कोटि के जितने पदार्थ हैं उसी में सारे स्थावर जंगम शरीर भी आ गए, उनको हम लेते हैं क्षर। अब अक्षर हमको दो प्राप्त होता है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि वापि की दृष्टि से एक पुरुष तत्व परा प्रकृति या जीव, और एक अव्यक्त प्रकृति। अब इसमें अक्षर कहने पर जीव सहित प्रकृति को लेना चाहिए या केवल प्रकृति को लेना चाहिए, यह प्रश्न है। अक्षर दोनों सिद्ध हो रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकृति को लिया, जीव को नहीं लिया, उसका कारण क्या है? सिद्ध दोनों हो रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकृति को या माया को कूट माना, कूट राशि, उसी को अक्षर माना। उसका कारण यह है, उपादान और उपादेय का जहां वर्णन होता है कार्य कारण भाव का, वहां जीव कहीं नहीं बैठता। यह कार्य कारण भाव का जब वर्णन होगा तो जीव को कौन सा स्थान मिलेगा? कार्य कारण भाव की मीमांसा में जीव नहीं आता कहीं पर, क्योंकि उसके जितनी उपाधियां हैं वो तो 24 भागों में विभक्त हो जाएंगी। अचित पदार्थ में ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का विलय कहाँ हो जाएगा? वो तो 24 के बाहर तो नहीं है ना, उसके बाद जो बच गया वो ब्रह्म रह जाएगा। इसलिए उपादान उपादेय का जब वर्णन आता है तो जीव कहीं बैठता नहीं। यहाँ जो गणना है उपादान उपादेय की दृष्टि से, भूत प्रकृति मोक्षम च, 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, यहाँ भी उपादान उपादेय की दृष्टि से है, पंचभूतों का उपादान प्रकृति है। तो उपादान उपादेय की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो जीव का स्थान कहीं नहीं होता। प्रश्न उठता, ब्रह्म का स्थान होता है क्या? पुरुषोत्तम तत्व का उपादान उपादेय का विचार करते समय आ सकते हैं कहीं? कल मैंने कहा था अधिष्ठानात्मक उपादान होते हैं, विवर्तोपादान होते हैं, परमात्मा तो उपादान से कोटि में आते हैं। अधिष्ठानात्मक उपादान जैसे रज्जु सर्प के दो उपादान, रज्जु का ज्ञान परिणामोपादान और रज्जु तत्व या रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य विवर्तोपादान, तो रज्जु तत्व आ गया ना उपादान कोटि में। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व उपादान कोटि में आता है, जिसका विवर्त जगत है, जिसके अज्ञान का परिणाम जगत है, जीव नहीं आता। अतः अक्षर कोटि में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रकृति का वर्णन किया। और भी बहुत से भाव हैं कालक्रम से। हर हर महादेव।